भूमाफिया ने एक उद्योगपति को उलझाया, फर्जी एलपीसी के आधार पर दिलवा दी आबकारी विभाग की जमीन। मामला बना हाई प्रोफाइल, पूरे शहर में हुआ चर्चाओं का बाजार गर्म। शहरी क्षेत्र के बदमसिया मौजा स्थित एक्साइज डिपो की जमीन को लेकर खबर है कि फर्जी एलपीसी के आधार पर यह जमीन गिरिडीह के एक स्टील के बादशाह ने खरीद लिया है। शिकायत पर जब जांच हुई तो पता चला कि इसमें लगा एलपीसी भी फर्जी है। एक मजेदार बात सभी को पता होगा कि किसी भी आम आदमी जमीन की रजिस्ट्री करवाते वक्त एलपीसी का कंफर्मेशन जब तक ईमेल पर रजिस्ट्रार के पास नहीं पहुंचता तब तक रजिस्ट्री रुकी रहती है। पर इस मामले में उस वक्त जबकि पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, अंचल के कर्मचारियों और रजिस्ट्रार के मिली भगत से 1 एकड़ 12 डिसमिल जमीन साजिशन लूट ली गई है। गिरिडीह उत्पाद विभाग की जमीन बिक गई है, जमीन का निबंधन भी हो गया है। यह जमीन नगर निगम क्षेत्र के बरमसिया में स्थित है। जमीन की खरीदारी गिरिडीह स्टील के बादशाह के नाम से विख्यात एक उद्योगपति नाम पर की गई। यह मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की शिकायत के बाद जिलाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा के निर्देश पर अधीक्षक उत्पाद की जांच के बाद उजागर हुआ है। डीसी के निर्देश पर हुई जांच के बाद उत्पाद अधीक्षक ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट भी प्रेषित कर दी है। इस बाबत अधीक्षक उत्पाद ने डीसी को प्रेषित रिपोर्ट में कहा है कि गिरिडीह अंचल के शहरी क्षेत्र में मोजा बरमसिया में अवस्थित उत्पाद विभाग की जमीन को बेचे जाने का मामला सामने आया, जो कि समझ से परे है। कहा कि विगत कई वर्षों से इस जमीन को सीधे तौर पर उत्पाद विभाग के द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है एवं गिरिडीह नगर निगम में भी एक्साइज डिपो हाउस के रूप में दर्ज है एवं उत्पाद विभाग प्रत्येक साल होल्डिंग घर का भुगतान करता है। साथ ही बिजली विभाग को बिजली बिल का भी भुगतान उत्पाद विभाग के द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति गिरिडीह द्वारा बताया गया है कि केवाला संख्या 2830 दिनांक 10 नवंबर 2020 के द्वारा किसी स्टील के बादशाह को जमीन बेच दी गई है। इस बारे में विभाग को कोई जानकारी नहीं है। उत्पाद विभाग विगत कई वर्षों से जब्त उत्पाद प्रदर्श रखने के काम में से ला रहे हैं। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से गृह रक्षक बल का बैरक इसी परिसर में बने हुए कमरे में बनाया गया है। डीसी को प्रेषित रिपोर्ट में अधीक्षक उत्पाद ने कहा है कि क्रेता से पूछताछ करने की जरूरत है कि आखिर सरकारी जमीन की खरीद कैसे हुई। इस फर्जीवाड़े में शामिल सभी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने केवाला को रद्द करने की बात कही है। हालांकि झामुमो द्वारा पूछे गए सवाल पर उत्पाद अधीक्षक ने यह कहा है कि इस जमीन से संबंधित गिरिडीह उत्पाद कार्यालय में कोई कागजात उपलब्ध नहीं है। इधर उत्पाद अधीक्षक से बात किया गया तो उन्होंने ऑन कैमरा बताया कि जमीन सरकारी है जिसकी रजिस्ट्री एक स्टील के बादशाह के नाम पर हुई है। कहा कि अब प्राथमिकी दर्ज होगी। इधर इन आरोपों को लेकर जब स्टील के बादशाह से बात करने की कोशिश की गई तो फोन पर कुछ भी कहने से इनकार कर गए और फोन पर बोले कि मैं अभी बाहर हूँ। जांच में आया कि यह फर्जी तरीके का इसका फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर दिया गया, मोगिया कंपनी द्वारा कर दी गई है, लेकिन इसमें वो अपने कागज को प्रस्तुत नहीं किया है और 2 नंबर से कारोबार कागज करके करा दिया है जिसकी जांच चल रही है। झामुमो 20 सूत्री सदस्य अजीत कुमार पप्पू ने 21 फरवरी को जो शिकायत डीसी से की है उसमें कई बातों का जिक्र है। शिकायत में अजीत कुमार पप्पू ने सीधा कहा है कि गिरिडीह अंचल के शहरी क्षेत्र में मोजा बरमसिया में अवस्थित उत्पाद विभाग की जमीन को बेच दी गई है। कहा है कि इस बरमसिया स्थित उत्पाद विभाग की जमीन जिसका ब्यौरा थाना संख्या 230 खाता 173 प्लॉट 256 257 एवं 260 कुल रकबा 1.12 एकड़ पर उत्पाद विभाग का भवन मद भंडार एवं परिसर अवस्थित है।
इस जमीन को वर्ष 2020 में सुजीत मुखर्जी पिता हरनाथ मुखर्जी, गौरव मुखर्जी पिता परवीर मुखर्जी निवासी कोलकाता के द्वारा केवाला संख्या 2830 के द्वारा गिरिडीह के एक स्टील के बादशाह को बेच दिया गया है। इधर जांच के बाद अंचल अधिकारी ने अपने पत्रांक 677 दिनांक 24 अप्रैल 2023 से यह स्पष्ट किया है कि उपरोक्त भूमि पर एक्साइज डिपो हाउस अवस्थित है और गिरिडीह नगर निगम के असाइनमेंट डिमांड रजिस्टर पंजी के क्रम संख्या 875 के तहत उत्पाद विभाग के नाम से एक्साइज डिपो हाउस के रूप में दर्ज है, जिसे दिनांक 10 नवंबर 2020 को केवाला संख्या 2830 के द्वारा क्रेता स्टील के बादशाह को बिक्री किया गया है। संजय सिंह ने केवाला के लिए उपयोग में लाए गए एलपीसी का भी जिक्र अपनी शिकायत में की है। बताया है कि इस एलपीसी को अंचल अधिकारी ने फर्जी बताया है। ऐसे में फर्जी एलपीसी पर निबंधन कैसे हुआ? हाँ, हम लोगों ने बिसोत्री की जब बैठक हुई थी उस बैठक में हमने एक्साइज डिपो का मामला को उठाया था। ये गिरिडीह की बात नहीं है, ये जमुआ में भी एक्साइज ऑफिस है, मिर्जागंज में, वहाँ पर भी एक्साइज ऑफिस को मैंने सरकारी जमीन है। हम लोग बचपन से दोनों जमीन को देख के आ रहे हैं कि ये सरकारी जमीन थी। इस बात को लेके मैंने बिसुत्री में उठाया था और जांच के लिए दिया गया था। जांच में माननीय उपायुक्त महोदय को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जांच किया और जांच के फलाफल उन्होंने वहाँ पर बोर्ड लगाया कि ये सरकारी जमीन है। अगर तो इसमें दो बात आती है, एक बात आती है कि अगर मैंने अगर मोगिया जो जिसने जमीन ली है वो किस प्रकार ली है, इसको सबसे पहले देखना है। इसलिए कि अगर मोगिया जमीन ली है तो उसका कागजात किसने बनाया, एलपीसी किसने निर्गत की, अगर ब्लॉक के द्वारा सीओ के द्वारा अगर उस पर अगर एलपीसी निर्गत होती है तो इसमें पूरा ब्लॉक दोषी है, या अगर दो नंबर से अगर एलपीसी बनती है तो इसमें जो जमीन लिए है वो दोषी है। अब देखना इस बात का है। जांच में उपायुक्त महोदय से मैं मांगा हूं कि एक तो मैं अपना जो एलपीसी का मैंने अपना जो बिसुत्री में क्वेश्चन उठाया था, मैं बिसुत्री के हैसियत से उसका मैंने माननीय उपायुक्त ने मुझे जवाब दी है, लेकिन अभी तक मेरे पूरी जवाब मुझे नहीं आई है। हमने उनसे मांग की है कि हमको पूरा पूरा का पूरा क्या सच्चाई है उसकी जानकारी दी जाए, और इसमें अगर जो भी दोषी है अगर ब्लॉक के द्वारा सीओ के द्वारा उसके अधिकारी के द्वारा अगर एलपीसी निर्गत किया गया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे आदमी को सीधे उसको जेल जाना चाहिए। हालांकि शिकायत के बाद आज अंचल कार्यालय ने उस स्थल पर सरकारी जमीन होने का बोर्ड तो लगा दिया है, पर देखना दिलचस्प होगा कि इस जमीन से जुड़ी रजिस्ट्री रद्द होती है या नहीं। सहयोगी मनोज और विष्णु के साथ मोहम्मद चांद, न्यूज़ लाइन, गिरिडीह।